नमस्कार, मैं प्रशांत पालेकर कमल इंदु सात्विक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमेशा की तरह आज भी हम आपको एक ट्रेडिशनल डिश दिखाने वाले हैं। यह डिश ऐसी है कि महाराष्ट्र में व्रत के दिन सब जगह घर घर में बनाते हैं। तो फिर हमारे डिश में क्या खासियत है या हमारी खासियत क्या है, आज आपको पद्मा जी दिखाएंगी। उस डिश का नाम है साबूदाना खिचड़ी। नमस्कार, आज की रेसिपी साबूदाना खिचड़ी है। ये बनाने के लिए हमें चाहिए साबूदाना। ये एक बाउल साबूदाना मैंने लिया है। तड़के के लिए जीरा, हरी मिर्च, ये आलू है, दो मीडियम साइज आलू मैंने बॉईल करके पीसेस करके रखे हैं। ये नमक, चीनी, ये ड्राई रोस्टेड पीनट्स जो दरदरा पीस करके रखा है, और ये फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट, और ये ऑयल। सबसे पहले ये साबूदाना है, ये पानी में अभी ये सब पानी मैं निकाल देती हूँ। अभी पानी सब निकल गया है, ये मैं ये बाउल में डालती हूँ। और अभी ये बाउल में थोड़ा पानी डालना है। ये कम से कम इतना पानी साबूदाना के ऊपर, और ये रात भर ऐसे ही रहेगा तो सुबह में अच्छी तरह से वो फूल जाएंगे। अब हम कृति शुरू करते हैं। ये रात भर पानी में भिगो के रख के अभी ये ऐसे फूल गए हैं। अभी इसमें हम ऐड करेंगे ये पीनट्स, पीनट का जो ग्राइंड करके रखा है, ये आधा चम्मच, छोटा आधा चम्मच चीनी, और ये छोटा आधा चम्मच से थोड़ा कम नमक। अभी मिक्स करके रखेंगे। ये मैं अभी साइड में रख देती हूँ। और अभी तड़के की तैयारी करनी है तो ये हरी मिर्च के हम बारीक पीसेस करेंगे। अभी पैन गरम हो चुका है तो इसमें हम तेल डाल के तड़का करेंगे। एक चम्मच जीरा, इसमें एक बड़ी हरी मिर्च, इसमें डालेंगे ये आलू, पिंच ऑफ सॉल्ट, स्टर करेंगे। अभी ये आलू सॉटे अगर के हो चुका है, इसमें हम डालेंगे ये साबूदाना जो बाजू में रखा था। और ये करीब से 5 मिनट तक कंटिन्यू स्टर करना है। और ये कंटिन्यू हिलाना चाहिए, नहीं तो ये सब चिपक जाता है।
अभी 5 मिनट हो चुके हैं, खिचड़ी बिल्कुल तैयार है। ये जो साबूदाना है इसका कलर भी चेंज हो चुका है, थोड़ा गोल्डन ब्राउन और ट्रांसपेरेंट हो गए। अभी मैं स्टोव बंद कर देती हूँ और प्लेटिंग की तैयारी मैं करती हूँ। अभी एक बात बतानी थी, ये हम उपवास के लिए ये खाते हैं, तो इसमें ना मैंने मस्टर्ड सीड्स डाले हैं, ना हींग डाला है और ना हल्दी पाउडर डाली है। ये उपवास के समय ये सब नहीं डालना। अब गार्निशिंग के लिए हम इसमें ग्रेटेड कोकोनट डालेंगे। अब प्लेटिंग हो चुकी है, खिचड़ी तैयार है खाने के लिए। आपको हमारी ये डिश कैसे लगी? हमें मालूम है कि यह डिश हेल्दी है और इसमें कैलोरीज भी बहुत है, लेकिन व्रत के दिन एक प्लेट सिर्फ खाएंगे तो पूरा दिन हमारा पेट फुल रहेगा। आप भी इसे बनाइए, हमारा चैनल देखिए, लाइक कीजिए। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। तब तक आपसे आज्ञा लेते हैं, धन्यवाद।